यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 144,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हों, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 144,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन न मिलेगा। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। और मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना कि लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लवनी की गई। फिर एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चोखा हंसुआ था। फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला, और जिसके पास चोखा हंसुआ था उससे ऊंचे शब्द से कहा, अपना चोखा हंसुआ लगाकर पृथ्वी की दाखलता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए, और रस के कुंड में से इतना लोहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। भजन संहिता अध्याय 150। भजन संहिता अध्याय 150। यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाशमंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बिना बजाते हुए उसकी स्तुति करो,
डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, उच्च शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यह की स्तुति करे, यह की स्तुति करो। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय सात। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा और बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया और याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। और जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यो कहकर यहोवा का धन्यवाद किया कि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। तब सब प्रजा समेत राजा ने यहोवा को बलि चढ़ाया और राजा सुलेमान ने 22,000 बैल और 120,000 भेड़ बकरियां चढ़ाई। यो पूरी प्रजा समेत राजा ने यहोवा के भवन की प्रतिष्ठा की और याजक अपना अपना कार्य करने को खड़े रहे और लेवीय भी यहोवा के गीत के गाने के लिए बाजे लिए हुए खड़े थे, जिन्हें दाऊद राजा ने यहोवा की सदा की करुणा के कारण उसका धन्यवाद करने को बनाकर उनके द्वारा स्तुति कराई थी। और इनके सामने याजक लोग तुरहिया बजाते रहे और सब इस्राएली खड़े रहे। फिर सुलेमान ने यहोवा के भवन के सामने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके होमबलि और मेलबलियों की चर्बी वही चढ़ाई, क्योंकि सुलेमान की बनाई हुई पीतल की वेदी होमबलि और अन्नबलि और चर्बी के लिए छोटी थी। उसी समय सुलेमान ने और उसके संग हमात की घाटी से लेकर मिस्र के नाले तक के सारे इस्राएल की एक बहुत बड़ी सभा ने 7 दिन तक पर्व को माना और 8वें दिन को उन्होंने महासभा की। उन्होंने वेदी की प्रतिष्ठा 7 दिन की और पर्वों को भी 7 दिन माना। निदान 7वें महीने के 23वें दिन को उसने प्रजा के लोगों को विदा किया कि वे अपने अपने डेरे को जाए और वे उस भलाई के कारण जो यहोवा ने दाऊद और सुलेमान और अपनी प्रजा इस्राएल पर की थी आनंदित थे। यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो व टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दू व अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को जो कत्यो कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे और अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे, मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगी। और यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई अपने को मेरे सन्मुख जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे तो मैं तेरी राजगद्दी को स्थिर रखूंगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे कुल में इस्राएल पर प्रभुता करने वाला सदा बना रहेगा। परंतु यदि तुम लोग फिरो और मेरी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने तुमको दी है त्यागो और जाकर पराये देवताओं की उपासना करो और उन्हें दंडवत करो तो मैं उनको अपने देश में से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ूंगा और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा और ऐसा करूंगा कि देश देश के लोगों के बीच उसकी उपमा और नामधराई चलेगी
और यह भवन जो इतना विशाल है उसके पास से आने जाने वाले चकित होकर पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश और इस भवन से ऐसा क्यों किया है। तब लोग कहेंगे कि उन लोगों ने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को, जो उनको मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं को ग्रहण किया और उन्हें दंडवत की और उनकी उपासना की, इस कारण उसने यह सब विपत्ति उन पर डाली है।